निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखो अब यहाँ पे आप समझो बच्चों, गुणनखंड मीन्स आपको जान रहे हो फैक्टर करना है, लेकिन ये सिंपल से नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिए गए हैं, उनके फैक्टर करने हैं। थोड़ा सा इधर क्वेश्चन कट रहा है, ब्लर कर रहा है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। जैसे मैं हटता हूँ ये मुझे खोजने लगता है, कहाँ गया वो आदमी, मुझे खोजने लगता है तुरंत। चलो अब देखो क्लियर है चलो तो इसमें का फर्स्ट पार्ट है बच्चा 27y³। देखो आप लोग क्लास को शेयर करो, मैं अभी हल नहीं करूँगा जब तक बच्चे 100 प्लस नहीं हो जाएंगे, 150 प्लस 125z³। इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो आप लोग कर लोगे पहले बताओ, हाँ कर लोगे हो चाचा लोग, जल्दी जल्दी सभी साथी शेयर कर दो। बाबू अभिषेक, अंशिका सरोज, शिवम विश्वकर्मा जी, कमेंट आपके आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। राहुल जी आपका भी कमेंट आ रहा है, ठीक है। प्रियम मिश्रा, सनी यादव, हरिकेश, चलो ठीक है। देखिए बच्चों इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, आप सबने पढ़ा होगा एक सर्वसमिका, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर समथिंग ऐसे था ना, उसी आइडेंटिटी का इसमें यूज करोगे और बहुत ही चंद मिनटों में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहले आप लोग जल्दी से भैया 150 प्लस लाइव करो ना बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही यार, फटाफट। देखो मैं तो उसी लिए बना हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए। देखिए मैंने पूरी व्यवस्था करके आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है कि आपकी क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, लाइट चली जाए। अभी मैंने इसलिए नया इन्वर्टर लगा दिया, पहले देखो टीं टां करता था, लाइट कम हो जाती थी, मैंने कहा नहीं ये सही नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं, नया इन्वर्टर मैंने लगा दिया कि आपका लाइट जाने के बाद भी ना वाईफाई डाउन हो ना ही लाइट कम हो, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट जा रही क्या आ रही। चलो बाकी वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं होती थी वो भी होने लगी, और क्या चाहिए भाई और क्या चाहिए। और हाँ जिनको मॉनिटर बनाया गया है, देखो बाबू कोई भी किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, ये बात अपने दिमाग में रख लो, अपनी पर्सनल दुश्मनी यहाँ पे नहीं निकालोगे। हाँ अगर किसी को मॉनिटर बनाया गया है तो तुम एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करोगे। चलें शुरू करा जाए, तो बच्चों आप लोग प्लीज निवेदन है शेयर कर दो बाबू, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, हम शुरू करते हैं, टाइम बिताना अच्छा नहीं है। हाँ समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, लाखों रुपए देने से भी एक मिनट का टाइम वापस नहीं आता है, बहुत कीमती है टाइम। तो बेटा सभी जल्दी जल्दी फटाफट लाइक और शेयर कर दो। चलो तो देखिए प्यारे साथियों, ये आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा सर्वसमिका जी से बोलते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई, और दूसरे वाले कोष्ठक में आपका होता है स्क्वायर में यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता ना बाबू, होता है ना। देखो यहाँ पे जो 150 प्लस पहले से लिखा था ये इसमें एक्स्ट्रा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग सभी ये बताओ इसमें से कितने बच्चे हैं जिनको ये सर्वसमिका याद है, ईमानदारी से बताना झूठ नहीं बोलना। लल्लन बेटा याद था तुम्हें, प्रिया शर्मा देर हो रही है अब क्लास में, अब देर हो रही है। देखिए ये एक्स का क्यूब है ना, मुझे एक बात बताओ 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं ना बाबू। तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसे हम 3 और वाई क्यूब को तो वाई लिख ही सकते हैं, बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। प्लस 125 को लिख सकते हैं बाबू हम 5 का क्यूब, साथ में जेड लगा है तो 5 जेड का क्यूब,
बस हो गई कहानी खत्म, पैसा हजम, मान रख दो, आ गया फटाफट। हाँ मान रख दो बेटे, आ गया तुरंत, आ गया तुरंत। राजकुमार चौरसिया, कुछ समझ में आ रहा है? प्रीति विश्वकर्मा, बहुत देर में आ रही हो, कल से ना मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, कुकड़ कू बोलना पड़ेगा, याद रखना, या तो टाइम से आओ। एक्स प्लस वाई, देखो बच्चा यक्स का मान 3y, वाई का मान 5z, तो ये 3y प्लस 5z, ठीक है। अब देखो बेटा यक्स का स्क्वायर, तो यक्स का मान हमारे पास क्या है, यहां से देख लो, यक्स का मान 3y, यक्स का मान है, वाई का मान 5z है, तो यक्स का मान 3y है, तो ये हमारा हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है। फिर y, नहीं y नहीं, माइनस, और ये अलग दिखे इसलिए यहाँ पे मैं बड़का कोष्ठक बना लेता हूँ जिससे उधर का पार्ट अलग दिखे। माइनस यक्स वाई, यक्स का मान यहाँ से 3y, अरे साइड हो जाता हूँ, लो बस उल्टा मैं लिख नहीं पाता हूँ ना। यक्स का मान देखो 3y और y का मान है 5z, दिखा? यक्स का मान रखा बेटा 3y और वाई का मान रखा 5z, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा था, मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखो प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा, वाई का स्क्वायर, वाई का मान 5z, तो ये हो जाएगा भैया 5z का होल स्क्वायर, और ये बढ़ के कोष्ठक बंद। बस यही तो करना था, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, एक लाइन, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। रूबी द्विवेदी और दीपक प्रजापति, सावधान हो जाओ नहीं जवन लपोटा मारेंगे ना, कान से हवा निकल जाए, जान लो। हाँ हाँ समझ गए ना, चलो ये ऐसे उतार लेंगे, और ये तीन तरीका कितना हो जाएगा, 9। देखो इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा खींच दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 9y का स्क्वायर और माइनस ये 3 5 15 वाई जेड और प्लस ये 5 25 z का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया कंप्लीट, दिख तो रहा ना आप लोग को। चलो अभिषेक कुमार समझ में आ रहा है? रंजू देवी, देखो कोई बातचीत ना करो, जिसको बकैती करना है यहां से भाग जा। हाँ बातचीत नहीं बाबू, देखो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, बातचीत नहीं। प्रियम मिश्रा पूछ रही, यक्ष कैसे आ रहा है? यक्ष घोड़ा पे सवार होके आया है, नहा धो के, खुशी आ गई तुम? खुशी सिंह, आपकी शिकायत है कि आप लोगों को बेवजह ब्लॉक करती हो, हाँ तो भैया ऐसा ना करो, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, जो बच्चा नहीं लिखा था वो वीडियो को थोड़ा बैक करके नोट कर लेगा। ये बताओ सेकेंड पार्ट बताऊं या नहीं? क्यों भाई पंचों, सेकेंड पार्ट बताया जाए कि ना बताया जाए? दूसरा पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। कुंदन गुप्ता कह रहे हैं हाँ, चौधरी साहब क्या कह रहे हो? आयुष तिवारी, खुशी का नाम मत लो, बड़ी खतरनाक लड़की, वो ब्लॉक कर देगी, जान लो। हाँ और खुशी तुम भी समझ लो, जो भी मॉडरेटर बना है, जो भी मॉनिटर बना है आज, ठीक है, वो किसी से चैटिंग नहीं करेगा, अगर वो रासलीला करना शुरू कर दिया ना तो फिर मेरी तो इज्जत की ऐसी 65 कर देगा वैसे ही वो। हाँ हाँ गिर जा, फूट जा, तो जान लो चैटिंग नहीं करेगा भाई, और वैसे तो कोई चैटिंग नहीं करेगा, यहाँ पे चैट बॉक्स नहीं खुला है। हाँ कोई भी चैटिंग नहीं करेगा। चलो इसको कर लोगे, कितने बच्चे कर लेंगे? देखो मैं इसको मिटा दिया, मैं
रेडी। चलो इनको समस्या है, तीन मॉडरेटर नहीं दिख रहे, इनको जल्दी दिखाओ भाई। देखो ये फार्मूला लगाओगे, यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल यक्स माइनस वाई, और ये यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये सर्वसमिका आप लोग जानते हो ना भैया इसको? हाँ जानते हो ना। चलो अब क्या करेंगे, इस पे सारे मान रख देना है। देखो 64 को आप क्यूब में कैसे लिख पाओगे, 64 को आप क्यूब में कैसे लिख सकते हो बताओ? अगर 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 27। तो देखो बच्चा एक चीज यहां से समझ लो, आप लोग ध्यान से समझो, जिनको पढ़ना है क्लास मत छोड़ के जाना। देखो बच्चा यहां से समझ लो बाबू, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो 64 की जगह पे हम लिखेंगे 4 का क्यूब, और साथ में यम है तो 4 यम का क्यूब यानी 4 यम का क्यूब माइनस। इसी तरह से बच्चा 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो बच्चा हो ये हो जाएगा 7 यन का क्यूब। अब हो गया, देखो यहां से मुझे कोई बताए यक्स का मान कितना है, यक्स का मान कितना है? देखो बच्चा समझो, जिनको पढ़ना है क्लास छोड़ के ना जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना अगर तुम्हें पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। और भाई पीबीआर स्टडी के एडिटर, आज आपकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप चैटिंग ना करो। हाँ ठीक है, मौज मस्ती में ना रहो, आप दूसरा काम कर लो, यहाँ पे चैटिंग ना करो। तीन मॉडरेटर नहीं आए हैं, ठीक है अच्छा है, ये सब करोगे वैसे ये पढ़ने वाले हैं नहीं। हाँ फिर कहेंगे इनको तो खुद ही उलझा रहे हो, तो मत उलझाओ इन्हें, वैसे भी नहीं पढ़ना इन्हें। ये देखो वाई का मान कितना है, 7 यन। ठीक है भाई, चांदनी कुमारी बहुत अच्छे, शिवम गौतम, राहुल वर्मा, मनोज, लल्लन यादव, जगदीश पाल, वेरी गुड। तो देखो भैया यक्स का मान 4 यम है बाबू, वाई का मान 7 यन है। ठीक है मैंने रख दिया, यक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर का मतलब जान रहे हो, 4 यम का स्क्वायर। ये 4 यम का स्क्वायर, एक चीज याद रखना बच्चा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सभी लोग बताओ, एक देखो ध्यान से देखो एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं 4 यम का स्क्वायर लिखा और ब्रेकेट बंद कर दिया, हाँ समझना ये इधर का साइड का काम है, इससे नहीं मतलब सवाल से, और मैंने ये 4 यम लिखा और इसका स्क्वायर ब्रैकेट बाहर से बंद किया, इन दोनों में क्या कोई अंतर है? बोलो हाँ या नहीं, क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई अंतर है? हाँ बोलो। करण मीना, अभिषेक कुमार, दिवेश, बेटा इंटरनेट सही कर लो दिवेश, इनमें कोई अंतर है? बोलता कहीं नहीं। देखो मैं बताता हूं, ठीक है समझो, देखो इसमें अगर अंदर में स्क्वायर लगा रहे हो, इसका मतलब है बच्चा कि ये स्क्वायर केवल यम पे लगा है, ये स्क्वायर केवल यम पे लगा है। अगर ये स्क्वायर बाहर से लगा, इसका मतलब ये स्क्वायर पूरे पे लगा है, मतलब 4 और यम दोनों पे लगा है। बात समझ में आई ना? ऐसे समझ लो, अगर ये 4 यन यम है और इसमें स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये स्क्वायर केवल यम पे लगा है, ये यन पर और 4 पर लागू नहीं है, ये यम पर और सॉरी यन पर और 4 पे लागू नहीं है। लेकिन अगर ये 4 यन यम ऐसे है तो इसका मतलब ये सब पे है, याद रखना इस बात को। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई योजना लॉन्च करते हैं तो पूरे देश के लिए होती है, ऐसा नहीं फोन करके तुम्हारे पास बोल दिया है भाई पितेंद्र तुम्हारे लिए एक योजना लॉन्च हो रही है, कल से तुम इसका लाभ ले पाओगे। हाँ पूरे देश को कवर करते हैं ना, मतलब समझ रहे हो? तो वैसे ही होता है। तो
तो कोष्ठक के अंदर स्क्वायर लगने का मतलब ये है और बाहर लगने का मतलब जो था वो तो तुम देख ही लिए। चलो बंटी सिंह भाई कहाँ कर रहे हो तुम, कुछ गड़बड़ कर रहे हो कहाँ? चलो देखो समझो समझो यहाँ पे अब, तो इसलिए बच्चा यहाँ पे बाहर से स्क्वायर लगाओगे अंदर में नहीं। माइनस यक्स का मान क्या है 4m है, इंटू वाई का मान क्या है 7n है, और प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। इतने में किसी को कोई परेशानी तो बता दो। एक अनूप को भाई टाइम आउट कर दिया, क्या बात है। एक बार इनको वार्निंग बिना दिए टाइम आउट ना करो, किसी को पहले एक बार बता दो, एक बार बता दो भाई। भाई रविशंकर क्या कर रहा है, सबको तुरंत फटाफट। रविशंकर भाई सबको टाइम आउट ना करो, तुम गड़बड़ कर रहे हो अब। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना इतना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो समझ में आया कि नहीं। देखो यक्स का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर माइनस यक्स वाई, यक्स का मान 4m, वाई का मान 7n, और प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर, ये हो गया क्लियर। अब देखो बच्चा इनको हल कर लो, आगे आंसर आ गया, इनको हल कर लो आंसर आ गया। आज मैं इन सबको खुला छूट दिया हूँ इसलिए इनको कुछ ना बोलो, आज इन सब के लिए स्पेशल छूट है इसलिए कोई कुछ ना बोलो, इन्हें देखने दो। तो देखो ये 4m माइनस 7n और 4 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 16 बाबू, तो ये हो जाएगा 16m का स्क्वायर माइनस ये 7 × 4 = 28 यम यन। देखो ABCD गिनते हो तो पहले क्या आता है, यम आता है कि यन आता है? यम फार मैंगो, यन फार नानी, है ना, आता है ना ऐसा। देखो समझो, और प्लस 7 × 49 यन का स्क्वायर, यही तो आंसर है कि कुछ और है? लिख लो भाई मैजिकल वर्ड बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ रविशंकर ठीक है, अच्छा किया, कल बोला था कल के लिए, आज इन लोग का कुछ दूसरा ऑफर चल रहा है, कल फिर हटाना रहेगा तो बताऊंगा, आज इन लोगों को कर लेने दो। चलो इन लोगों को भी कभी कभी टाइम देना चाहिए। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ तुरंत, जल्दी करो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। क्वेश्चन होने के बाद आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। बादर खान पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे सारे पार्ट नहीं बताने चाहिए ना, कुछ पार्ट तो तुम लोग खुद से भी करोगे कि हम सब बता दें एक के तरफ से। हाँ भाई तुम लोग खुद भी तो कुछ करोगे कि नहीं? तो क्या कह रहे हो, थर्ड वाला बताऊं कि नहीं? मैजिकल वर्ड बेटा, वीडियो बाद में देख लेना, अभी मैजिकल वर्ड, तुम खुद ही मैजिकल हो, इसमें थर्ड पार्ट है ये नहीं है, इसमें थर्ड है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन था। देर में आए हो तो फिर से देख लेना। ये बताओ कितने बच्चा NCERT किताब लिया है, बोलो लिया है ना NCERT बुक लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 खोलो, एक्सरसाइज 2.5 प्रश्नावली 2.5 है बेटा, 2.5। इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, चलो यहीं रख देता हूँ। देखो 11 नंबर क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। देखो समझो, गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27x³ + y³ + z³। क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं, 27y³
एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड। ये बताओ इसके कितने बच्चे गुणनखंड कर लेंगे, कर लोगे ना बाबू कि नहीं? राम बहादुर सिंह, आलोक, एफ जे कुमार, शिवकांत राजपूत, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो। देखो इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें एक नया सर्वसमिका लगेगा अगर तुम पढ़े हो तो, एक नई नई सर्वसमिका लगेगी, नई नबेली। देखो कौन सी है वो, यहाँ समझो। देखो बेटा बच्चा, ये सूत्र होता है ना एक, कौन सा, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का क्यूब, ये सब प्लस होता है, माइनस तीन एक्स वाई जेड, ये बराबर होता है किसके जानते हो? ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर। इतने में आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा। आ जाएगा कि नहीं? ओ थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा खींच के, नहीं आएगा। देखो बड़ा है ये सूत्र बड़ा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहता था। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने से दिमाग तुम लोग कर दोगे डिस्टर्ब। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। देखो बच्चा जिनके में जगह है एक में लिख लेना सीधा सीधा, ये सब सीधा सीधा है, हमारे में जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरा पूरा सर्वसमिका है बच्चा, ये पूरा पूरा सर्वसमिका है। ये और ये, ये और ये दोनों बगल बगल रहेगा, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। राजगुप्ता समझ में आ रहा है? फादर खान समझ रहे हो ना बच्चा? चलो अब देखो हमें क्या करना भैया, ये 27x का एक क्यूब है ना, इसको तोड़ लोगे तीन में, हाँ वाई का क्यूब ये जेड का क्यूब, देखो ये सारा सेटलमेंट इसी पे लाके कर दोगे, इस पे इसी के ऊपर लाके रख देना है सब, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? हाँ तो चलो ठीक है, आज इन सबको मैंने खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया है कमेंट करने के लिए। हाँ चलो देखो, तो 27 देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझो अब ये क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, समझो अब हल होने चल रहा है ना। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 11 है 2.5 का। देखो बेटा ये मेन क्वेश्चन है, 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन है जिसका क्या करना है, का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। मैं ऐसे इसलिए लिखा जिससे ये सीधा सीधा तुम्हें दिखे। देखो यक्स का क्यूब मतलब 27x क्यूब, वाई का क्यूब मतलब वाई का क्यूब, जेड का क्यूब मतलब जेड का क्यूब। अब इसी में हमें क्या करना है, ऊपर वाले को तोड़ के सूत्र के रूप में इसको फैला देना बस, समझ गए ना? हाँ समझ गए ना। देखो तो 27 को बेटा हम लिख सकते हैं, 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कितना, बोलो हाँ सभी बच्चे बोलो हाँ, कितना लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर लिख सकता हूँ तो इस क्लास को तुरंत लाइक करो, देर ना करो, जल्दी से फटाफट लाइक करो बाबू। देखो 200 लाइक तो कम से कम पहुँचा दो ना अभी प्रेजेंट टाइम में, जल्दी से सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक करो। आज मैंने चैटिंग करने की छूट दे दिया है, देखो किसी को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, मैंने सारे मॉडरेटर को पीट पीट के बैठा दिया, कोई किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं करेगा। चलो देखो, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, तो हम 3x क्यूब ये लिख सकते हैं 27 की जगह पे, y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। उसके बाद लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होगा, हमें इसे थोड़ा और नीचे लिखना था, नहीं तो देखो ये आगे बढ़ेगा तो इसमें अटक जाएगा ना, थोड़ा इसे और नीचे लिखना है। देखो बड़े क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुमने मिस्टेक किया ना तो बना बनाया काम चौपट हो जाता है। देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस, देखो बच्चा ये फार्मूला है ना, तो 3 और यक्स का मान कितना है, देखो हमें सारे मान मिल गए, याद रखना ये यक्स का मान है बेटा, ये वाई का मान है, ये जेड का मान है। लिख दूं कहीं क्या मैं, हाँ यहाँ देखो मान लिख देता हूँ, लिख लो यहाँ पे मान लिख लो, समझने के लिए भूल जाते हो ना, साइड में लिख लो। देखो बच्चा यक्स का मान है 3x, वाई का मान है बेटा वाई, और जेड का मान है बाबू, जेड का मान है जेड। बोलो यहाँ से याद कर लोगे कि नहीं, अभी जहाँ काम लगेगा वहीं रख देना, याद करके कहीं जाना नहीं। चलो ठीक है, आप समझो, तो यक्स का मान 3x, वाई का मान वाई, जेड का मान जेड। अब यहाँ पे मान रख दो, देखो ना समझ में आएगा तो बताना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझ में ना आएगा तो बताना। 3 की जगह पे 3 लिखा, देखो एक्चुअली समझो पहले, मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, समझो ठंडे दिमाग से सोचो। ये मेन क्वेश्चन है, ऊपर कह रहा था कि इसका गुणनखंड कीजिए, समझो एक्सरसाइज 2.5 है क्लास 9th का NCERT मैथ। अगर आपके बुक से नहीं भी मिल रहा फिर भी तुम समझ लो गुणनखंड करना, तुम्हें काम आएगा, मैं बता दूंगा कहाँ है तुम्हारी किताब में, अभी पहले पढ़ लो ठीक है। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है 11, ये गुणनखंड करना है। नीचे मैंने जो लिखा है ये एक सर्वसमिका है, ये मैंने जो लिखा है ये क्या है, सूत्र है। देखो यहाँ पे लिखा है ना बेटा सूत्र, ये पूरा एक सूत्र है, इसी में इस मान को लाके रखना है, समझ रहे हो ना, इसमें लाके चुप्पे से रख देना है, समझो। तो क्या करोगे, अब सूत्र के रूप में मैं इस जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसे उसी रूप में पिघलाऊंगा। जैसे देखो ईंटा पाथा जाता है ना, देखो कि नहीं, मिट्टी का ईंट बनते देखे हो, सांचा में मिट्टी भर भर के पलटते जाते हैं ना, ईंट बनता जाता है, तो वैसे इस जो क्वेश्चन का मटेरियल है इसमें भर भर के पलटेंगे। तो यक्स का क्यूब की जगह पे हम 27 को तोड़ के 3x का क्यूब बना लेंगे, वाई का क्यूब की जगह पे वाई, जेड का क्यूब की जगह पे जेड, माइनस अब 3 सूत्र वाला 3, यक्स का मान रखोगे वहाँ से देख लो मैंने लिखा है 3x है, वाई का मान रखोगे वाई है, जेड का मान रखोगे जेड। मैंने इतना कर लिया, अब क्या करना है बेटा, उधर वाला मान रखना है, क्या करना है, उधर वाला मान रखना है ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो कर लो, उधर वाला मान रख लो, रख लो रख लो रख लो, ये तो गुणा करोगे सब तो फिर उतना आ जाएगा भाई साहब, इसका तो तुम गुणा करो तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा ना, मतलब मेन हमें ये निकालना है, ये निकालना मेन उधर वाला, इधर से कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो बराबर करो, यक्स की जगह पर आपका हो जाएगा 3x, वाई की जगह पर वाई, जेड की जगह पर जेड। अब देखो हमारे में जगह नहीं है कि मैं इसके आगे लिखूं, हमारे में जगह नहीं है कि मैं इसके आगे लिखूं, इसलिए मैं इसी के नीचे एक लाइन लिखूंगा और तुम लोग अपनी कॉपी में आगे लिखना, समझ रहे हो ना। चलो तो यक्स का स्क्वायर, तो यक्स का स्क्वायर मतलब बच्चा हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर का मतलब जेड का स्क्वायर ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा उधर करके, टेंशन मत लो ठीक है, अभी मैं उधर कैमरा करके भी दिखा दूंगा। अब देखो माइनस यक्स वाई, यक्स का मान कितना है कोई बताएगा, यक्स का मान कितना है, भाई बोलता का है नहीं तुम कौन हो, यक्स का मान कितना है, ये लिखा नहीं हुआ, यक्स का मान 3x था ना, वाई का मान वाई था, जेड का मान जेड था, याद रखना। तो यहाँ पे हमने यक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इतना तो कर लिया,
अब ये यक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स का मान रखना है। बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं ऐसे। तो यक्स का मान बेटा 3x और वाई का मान वाई है तो वाई ही रख दोगे, और माइनस वाई का और जेड का मान जेड है तो जेड रख दोगे। अब उसके उधर नहीं दिखना चाहता है, मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो तुम्हें दिखेगा। रुको थोड़ा सा रुको, मुझे इसे जूम आउट करना पड़ेगा। अबे भाई बहुत ज़्यादा ना दिख जा कुछ, ये लो। चलो जगह हो गई ना, ठीक है, फाइल हुआ कुछ, जगह हुई ना, ठीक है। अब देखो जेड एक्स, जेड का मान तो जेड है, हाँ जेड का मान क्या है, जेड है भाई, वहाँ लिखा हूँ ना, यक्स का मान क्या है, 3 है। तो ये फाइनल में क्या हो जाएगा, जेड इंटू 3x, मैंने 3x लिखा है यहाँ पे, याद रखना, थोड़ा छोटा भले दिख रहा है। तो बच्चा अब इनको सबको एक में समेट लो, फाइनल में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा जगह कम है इस वजह से मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, ठीक है, थोड़ा जगह कम है। तो मैं अब ऊपर का मेन क्वेश्चन कहो तो मिटा दूँ, देखो बहुत समझने वाला चीज़ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ किया मुझे लग रहा है, इतनी जगह थी मैं एडजस्ट नहीं कर पाया ना, लेकिन ये बहुत बड़ा सर्वसमिका है, मैं क्या करूँ भाई, वहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो मैं लिखूँ कहाँ आखिर इसको, हाँ देवास त्रिपाठी बेटा पढ़ाई कर लो राजा, पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा। ये आपका मेन इतना ही आंसर है, अब याद रखना है यहाँ पे मैं इसको बराबर कर दे रहा हूँ, ये इतना आंसर है, इसको हल करना है बस, इसी को आप थोड़ा सा और हल कर लो, ये आंसर है जितना मैंने घेरा है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा करके ऊपर आंसर लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा करके आंसर लिख रहा हूँ ऊपर। सही हो गया, हिल रहा हूँ मैं, देखो भाई इंटरनेट खराब हो गया बाबू, ये वाईफाई खराब हो गया, ये मोबाइल से चल रहा है, मुझे बताओ, हिल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ, हाँ देखो अगर कभी ऐसा होता है तो आप लोग भाग के मत जाया करो, ऐसा कभी हो जाए तो भाग के मत जाया करो। देखो फिर वो भी सही हो गया, वाईफाई भी सही हो गया, ये साले मैं क्या करूँ इनको, बहुत परेशान करते हैं यार ये, थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ हो गया था। चलो ठीक है, अब तो सही चल रहा है ना, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था भैया हो, बाबू हो, कि देखो इसको आगे हल करना था, बस आंसर आ गया ना, इसको करना था आंसर आ गया। तो चलो ये मैंने पूरा पूरा लिख दिया, अब ये आपका 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 9x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx, ये आपका आंसर हो गया सबसे टॉप पे जो लिखा है, ये जो सबसे टॉप पे लिखा है ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चे, ठीक है, इसको लिख लो, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। सभी समझ गए तो बोलो हाँ, समझ गए तो जल्दी से बोलो हाँ, ये आंसर हो गया ऊपर। गौरव पांडे, गौरव बेटा पढ़ लो, रेनू चौधरी तुम भी पढ़ाई नहीं कर रही हो, अभिषेक कुमार, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूँ मैं। देखो मुख्य क्वेश्चन मैंने मिटाया है स्क्रीन से, इस पे मुख्य क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 था, क्लास 9th NCERT, इसका सारा सलूशन ये है, पहली लाइन ये है जो कि सूत्र था, सर्वसमिका थी, ये मान मैंने लिखा था तुम्हें समझने के लिए, ये मान मैंने इसलिए लिखा था कि तुम समझ जाओ, ये आपका सर्वसमिका था, ये मैंने मान रखा था पहली बार पूरा पूरा, हाँ ये एक लाइन में नहीं आ रहा था सीधा सीधा, इसलिए मैंने नीचे लिखा था, आप लोगों की किताब में जगह है कॉपी में, तो ये जो मैं नीचे लिखा हूँ इसको इसके सामने लिख लेना, इसको मैंने हल किया है तो ये ऊपर आंसर लिखा है, जो शुरू से देख रहा होगा वो समझ गया। तो अब सभी बच्चे जल्दी से बताओ क्या आपको समझ में आया, यस या नो, समझ में आया ना बच्चा,
क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी गणित आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर चल रहा है दो, जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 के मैंने 11 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर दिए हैं, 2.5 के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन होगा। महेश गुप्ता बहुत अच्छे भाई, अमित जी वेरी गुड। देखिए जो बच्चे देर में जुड़े होंगे उन्हें ना समझ में आएगा, तो टाइम से जुड़ो बाबू, टाइम से। अगर आप टाइम से जुड़ोगे तो पक्का समझ में आएगा, देर में आओगे तो बीच में समझ में ना आएगा। अश्वनी जी आया समझ में, ठीक है। विशाल यादव, राजन यादव, ऋतिक पांडे, भजन स्टडी, कुछ लोग मजा करने आते हैं, क्या करोगे, दूसरे की मजा में क्यों खलन डाल रहे हो। हाँ, जो मजा करने आते हैं उन्हें करने दो, जो पढ़ने आते हैं उन्हें पढ़ने दो, चलो डोंट वरी। आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। तो बच्चा आपके 11 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर क्वेश्चन बता दिया जाए कि नहीं, 12 नंबर भी चलो मैं बता ही देता हूँ, आज आए हो आप लोग तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सभी देखो, प्यार से समझो तब बेहतर है, नहीं तो मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, लाइव बंद कर दूंगा, जान लो। अगर आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करोगे, रेगुलर टाइम पे देखोगे नहीं, तो मैं फिर वीडियो डालना बंद शुरू कर दूंगा। हाँ, इतना टाइम बिताने से क्या मतलब भाई, वीडियो बन जाएगा फटाफट चुटकियों में। हाँ, जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट लाइक करो बाबू, देर ना करो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब, ये सारे चिन्ह प्लस में है, 3xyz ये बराबर है 1/2 यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या है इसमें, यक्स माइनस वाई का स्क्वायर। आगे दिखेगा क्या, जहाँ तक दिखेगा लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है कि आगे नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा नीचे लिखूँगा, आप नीचे यहाँ से देखो, यक्स माइनस वाई का स्क्वायर और वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना भैया, ये सिद्ध करके लाना बेटा, समझो समझो क्या कह रहा है, कह रहा सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। एक्सरसाइज 2.5 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 12 एनसीईआरटी गणित कक्षा 9। चलो समझो, इनको सिद्ध करना बेटा, ये आपका दायां पद है, ये बायां पद है, ये आरएचएस है, ये उल्टा हो रहा है, ये दाहिना हाथ है, इधर खड़ा हूँ ये दाहिना है, ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, तो हम आरएचएस को लेकर के हल करेंगे, क्या करेंगे, आरएचएस को लेकर के हल करेंगे और एलएचएस ले आएंगे, ठीक है ओ चचा, समझ रहे हो ना, चलो हल करो, यहाँ पे लिखो हल, हल RHS, RHS वाले पद से हम हल करेंगे, LHF ले आएंगे। आभा त्रिपाठी केवल पढ़ाई कर लो नहीं, बहुत मार पड़ेगी, पढ़ लो। तो RHS पहले मैं उतारता हूँ, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने उतारा पूरा पूरा, याद रखना यहाँ पे बेटा, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इनको एक एक जो भी सूत्र है इनको ओपन करता जाऊंगा, हाँ समझते चलो। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र में खुलेगा, याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम सबको पता है ये फार्मूला, सबको पता है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, देखो बेटा यहाँ से पहले देख लो,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी और धन बी का स्क्वायर। ये सर्वसमिका जिनको नहीं पता है ना गधों, इसको देख लो, नहीं बहुत मार पड़ेगी। ये सर्वसमिका जानते हो तुम कि नहीं जानते, ये देख लो। इसी पर आधारित ये सूत्र अब हम इसको इसमें रखेंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी, ए बी की जगह पे एक्स वाई है और धन बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। तो ये तो बचवा मैंने एक में फार्मूला लगाया, अभी अभी तो इन दो में लगाना है। हाँ, तो चलो ठीक है, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगाया। अब ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, धन बी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, लेकिन मैंने फार्मूला इस रूप में लगाया है, तो ए का स्क्वायर के बाद माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे लिखो, देखो कितना अंडरलाइन किया हूँ, यहाँ देखो, देख रहे हो, ये इतना इसका मान है बेटा, जितना ये अंडरलाइन किया हूँ और ये किया हूँ, इसकी जगह पे ये आया है। अब जो दूसरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी जगह पे ये नीचे वाला आएगा, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी की जगह पे वाई जेड, और धन बी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। यानी जितना ये दोबारा अंडरलाइन किया हूँ, उसका मान ये इतना आया। इस तरह से आगे भी करते जाओ। सत्यम तिवारी, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा समझ में? सभी बच्चे क्लास को लाइक करो बाबू, देखो आपकी जिम्मेदारी है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सभी साथी लाइक करो फटाफट। हाँ, अब देखो बच्चा, यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस लग जाएगा, अगले वाले में भी ऐसे ही सूत्र खोल दोगे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स यानी ए बी, और धन बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। कौनो गधा कह रहा और फास्ट करो, अबे तुमको समझ में वैसे ना आ रहा है मुझे लग रहा है, और फास्ट करने को बोल रहा है, मतलब इतना फास्ट। चलो, तो अब ये हो गया क्लियर, आंसर आपका आ गया है, बस निकालना है। देखो आंसर आपका आ गया, निकालना है। देखो बेटा, इनको थोड़ा हम और इधर खींचेंगे क्योंकि उधर जगह कम है। हाँ, यहाँ खींचेंगे, एक बटा दो ये यक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहेगा। यहाँ आप तुम समझो, टीना पाल, ए टीना, तुमको हम टीना डिब्बा बना देंगे, याद रखना। हाँ, तुम्हारी इच्छा की प्रतिपूर्ति के लिए ये क्लास नहीं है, ये क्लास चल रही है बच्चों के पढ़ने के लिए। हाँ, तो नंबर वंबर यहाँ पे ना दो, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ाने दो इनको, ब्लॉक करो भाई, ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करो इनको, टीना डिब्बा कहाँ गई है, हराम खोर। नंबर ले लो मेरा, अब इनके रहा नहीं जा रहा है सबके, नंबर ले लो जल्दी जल्दी। हाँ, चलो देखो समझो, अब ये यक्स का स्क्वायर है, इसमें देखो और कहीं यक्स का स्क्वायर है, बोलो है, वह दिख रहा कि नहीं? हाँ, फूट जा, हाँ फूट जा, दिख रहा है ना यक्स का स्क्वायर? देखो एक ये है बेटा, एक ये है, तो दो यक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे समझते चलो, वाई का स्क्वायर ये है और वाई का स्क्वायर एक जगह और कहीं है, ये है, तो कितना हो जाएगा, दो वाई का स्क्वायर। देखो ये चश्मा गिर गया, इसका शीशा निकल गया एंटीना उना के चक्कर में। हाँ, अब ये हजार रुपए का व्यवस्था ये भी हो गई, गड़बड़ हो गया, तो चलो समझो, अब ये हो गया दो वाई का स्क्वायर। देखो बेटा जेड भी है इसमें, ये जेड का स्क्वायर है, ये भी जेड का स्क्वायर, दोनों इकट्ठा है, तो ये जुड़ जाएगा, दो जेड का स्क्वायर आएगा। और ये चच्चा लोग जो अकेले बचे थे, माइनस टू एक्स वाई माइनस ये टू वाई जेड और माइनस टू जेड एक्स, ये ऐसे लिख जाएंगे, बस हो गया।
देखो है ना कितना आसान, अगर सिस्टम से करोगे बच्चा तो अच्छा है, आसान है, आसान है कि नहीं? अभिषेक कुमार पढ़ ले लौंडे, पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले। हाँ चलो देखो यार आप लोग सुना करो भैया, ऐसे मजा नहीं आती, फिर मुझे वो कुछ बोलना पड़ता है उठपटांग। अब देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, सब में दो है, तो सब में दो है तो हम यहाँ दो कॉमन ले सकते हैं, तो जब दो कॉमन ले लेंगे भाई साहब तो ये बचेंगे, ये बचेंगे। देखो बोलो बचेंगे ना, ये यक्स वाई बचेगा, ये वाई जेड बचेगा और ये जेड यक्स बचेगा, क्यों भैया बचेगा ना बाबू? यहां से दो कट जाएगा तो क्या बचेगा? वही बचेगा जो हमें लाना था सिद्ध करके, जो हमें लाना था वही बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं? देखो बचपन नीचे दिख रहा है ना, ये बचा यक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये बचा यक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड यक्स। मतलब आज तुम लोग नंबर वंबर ले लो फिर कल से, जिससे क्लास में ना आओ ना, यही मतलब है ना? हाँ आज यहाँ से नंबर ले लो, कल से फिर वीडियो कॉल पे देखो और दिखाओगे, क्यों यही उद्देश्य है ना? फिर मुझे देखने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना, तुम लोग इसीलिए आए हो, कमाल है भाई, पढ़ लो यार। लिख लो, देखो हो गया, ये बराबर लिख दो LHS, देखो ये इतना बराबर क्यों आया पता है? क्योंकि ये जो सर्वसमिका है बेटा जो दिया गया था ना, ये जो सर्वसमिका दिया गया था ना, ये इसके बराबर ये इतना होता है, जिसको ना समझ में आएगा बता देगा। देखो जो नीचे फाइनल में आया है ये इतना ना, एक्चुअली ये जो नीचे आया बचा है ये इसका मान होता है, किसका? अरे हे इसका मान होता है, इसका, ये सर्वसमिका है, ये आइडेंटिटी है बेटा, इसका मान ये इतना होता जितना नीचे घेरा है, समझ में आया ना? मीरा वर्मा, मीरा वर्मा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, इनको ब्लॉक करो भाई, तो रुक जाओ एक मिनट, अब मैं ब्लॉक करता हूँ, जितना कौन कौन बात कर रही है मैं खुद करूँगा अभी नहीं। चल भाई निकल ले निकल ले, बादर खान तुम भी निकल लो, मीरा वर्मा भी निकल लो और अनुष्का सिंह और कौन है ये? अच्छा आप बोल रहे थे, ठीक है रविशंकर आप ही अच्छे थे, चलो सॉरी रविशंकर जी, चलिए अब इन लोग को ठिकाने लगाइए पिट पिट के, तो मैंने इनको खुली छूट दिया था, मैं ये सोच रहा था देखो ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो ये लोग अपना अपना नंबर देने लगे, नंबर ले लो व्हाट्सएप में आ जाओ, फिर शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया, क्लास वलास छोड़ो, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है ना? चलो ठीक है भाई रविशंकर, इन सबको तो दूध दूठी मार मार के अंदर घुसा दो, तो ये जाएं भागे यहाँ से, चलो पढ़ लिख के किसका भला हुआ कह रहे हैं, नंबर ले लो चलो शुरू करें। स्क्रीन शॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटाऊं, रूबी को तो एकदम परमानेंट ब्लॉक करो, इसको क्या लगता है कि यही है अकेले? हाँ आप देखो कौन रहता है, तुमको मैंने कर दिया, हाँ तुमको मैंने खुद ब्लॉक किया है, अब तुम देखो कौन पढ़ता है, अब तुम देखना कौन पढ़ रहा है। चलो तो अब ये बताओ सभी बच्चे, इसमें अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2.5 में कितना क्वेश्चन बचा है बताइए, 2.5 में कितना क्वेश्चन बचा है? रविशंकर भाई इनको संभालो, अब मेरे बस का नहीं है, देखो
मैंने 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं, शायद एक या दो और बचा है, अगर आप चाहो तो कर लो। और खुद से भी कुछ करना चाहिए ना यार, हाँ कि नहीं करना चाहिए? कौनो चार्ट ही बता रहा है का भाई, 12 में बता दिया, अभी 4 बचा है। हे भगवान कहाँ हो, आ जाओ उठा लो इनको सबको। अरे मतलब क्वेश्चन को उठा ले रे बाबा, उठा ले उठा ले, चल आ जा, अभी 4 बचा है, अभी 4 क्वेश्चन बचा है। लेकिन यहाँ पे इतनी चैटिंग होने लगी, इतनी चैटिंग होने लगी कि उसकी असर हमारे ऊपर तक आने लगी। नंबर ले लो खुशी, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, हाँ अजय त्रिपाठी वीडियो कॉल करो जल्दी से, हाँ मतलब हद है। चलो फिर आज का जो टाइम है ओवर हो गया, तुम लोगों ने जो बचा हुआ दिमाग था एक्स्ट्रा वो भी चाट लिया, तो अब इसके आगे आज कुछ ना बताएंगे, कल देखा जाएगा। देखो बच्चा, जो डेली रेगुलर सारी क्लास पढ़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे PVR स्टडी ज्वाइन करें, ठीक है? टेलीग्राम पर PVR स्टडी ज्वाइन करें और पूरा कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ें। इसके अलावा अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स घर बैठे मात्र 30 में पढ़ना चाहते हैं, हाँ, और एडवांस सर्विस के साथ में, तो आपको PVR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। PVR स्टडी ऐप में आपको पूरा कोर्स सिस्टम से मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। समझ गए ना भैया? चलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बताइए, पूछ सकते हैं। साइंस का क्लास सुबह 7 होगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक देखो, रविशंकर कमेंट कर रहे हैं और मैं इसको ऊपर पिन कर दिया हूँ, आप लोग देख लो सबसे ऊपर। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, अभिषेक कुमार जी गुड नाइट, गोलू रंधावा हाँ जी गुड इवनिंग, मतलब गुड नाइट, महेश जी गुड नाइट, प्रीति विश्वकर्मा जी सभी को गुड नाइट, गुड नाइट। चलो भाग जाओ, मतलब जाके सो जाओ खाना पीना खा के, हाँ रात भर जो नंबर वंबर लिए उसकी आगे प्रक्रिया बढ़ाओ। चलो कुछ लोगों को मिल गया है, जिनको नहीं मिला कल आना, कल मिल जाएगा। चलो कितने समझदार हैं ये, मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग तो क्वेश्चन में है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन फैला लिया अब उसको समेट रहा हूँ। ये इधर नंबर दिए पड़े हैं, ले लो जल्दी जल्दी, ले लो। लड़कियाँ किसी से कम नहीं, लड़के तो उनके दादा है ये हैं, ऐसा नहीं है, इसमें लड़कियाँ भी लड़के भी दोनों नंबर दे रहे हैं, ठीक है? दियो, परिणाम भी आएगा तो फिर मुझे मत बताना कि आ गया है, हाँ अपना रखना अपने पास। नहीं नहीं आएगा आएगा आएगा, ज़रूर आएगा, कोई भी काम जो किया जाता है ना। देखो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि जितने भी गुप्त काम दुनिया से चुरा के किए जाते हैं उनके परिणाम दुनिया के सामने आते हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे तुम किसी से मान लो गुप्त काम में चुप चुप के बतला रहे हो, हाँ, और मिल रहे हो और जा रहे हो मिलने, तो किसी ना किसी दिन तो उसका परिणाम आएगा, तो दुनिया देखेगी ना क्या मिला है ना। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लो तो अच्छा है, अभी बहुत कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, 9th में हो अभी, 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, ग्रेजुएशन में जाओगे तो 3 लगातार मिलेगा, बहुत मिलेगा, जी भर जाएगा। चलो 2 वाली बेसिक देख लेना, जिनको मैथ नहीं आती है रात के 9 वाला बेसिक जरूर देखना, लाइव होगा रात 9। अगर आपके घर में कोई है, आपके अंकल आंटी हैं, भैया भाभी हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ में, एकदम जीरो हैं, मतलब उनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, नई नई भाभी आई हैं अगर आपके घर में और वो मैथ नहीं जानती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें PVR स्टडी चैनल बता दो, समझ रहे हो ना? हाँ
पीबीआर स्टडी पर रात के 9 बजे से बेसिक मैथ एक बार देख लेना, बिल्कुल दिल से कहोगे कि हाँ आने लगेगा। अगर आपने उम्मीद भी छोड़ दिया था कि मुझे मैथ आएगा, तो याद रखना गारंटी हमारी आएगा, पक्का आएगा। तो रात के 9 बजे से बेसिक मैथ में ज़रूर आना। मुझे लग रहा है चमक कुछ ज़्यादा थी आज क्लास में ना। रात के 9 बजे अभी लाइव होगा बेटा, सभी आना एक बार, फिर से नंबर वंबर ले लेना जिनको चाहिए। हाँ चलो फिर, हाँ जिनको ना मिला होगा ले लेना, अब की बार ना इन सबको ब्लॉक करना भाई। रविशंकर ढूंढ ढूंढ के काला कर दूं क्या एकदम? चलो फिर बंद करते हैं, थैंक यू।